हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो गाइस, जैसे कि हमने सबसे छोटी यूनिट ऑप्टोमेट्री की मींस डिप्लोमा से स्टार्ट किया था, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री एंड बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, एंड आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री। सो गाइस, चलिए हम बात करते हैं मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री में। मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं मेरे स्टूडेंट्स के, वो भी मुझे इस वीडियो में सारे क्लियर करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मैम मेडिसिन लिख सकते हैं, क्या मैम सर्जरी कर सकते हैं, तो इस तरह से काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स के, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स के, मेरे स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो मास्टर ऑप्टोमेट्री क्या है? जो एम ऑप्टो है वो मास्टर लेवल का हमारा ये कोर्स है ऑप्टोमेट्री का, जिसमें हमारा डीपली डिजीज़ को डायग्नोस करना, रिफ्रैक्टिव एरर को फाइंड आउट करना, और जो भी हमारे क्या है एरर्स को फाइंड आउट करना, उसके बारे में हम डीपली इसमें पढ़ते हैं एंड जानते हैं। तो इसमें क्या है, अब हम बात करते हैं कि इसमें हमारा स्कोप कैसा है। तो ऐसा अगर मैं सैलरी बेस पे देखूँ तो इसमें काफ़ी, कहीं भी आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है, आपको 40 से 60 थाउजेंड सैलरी आपको कहीं भी हॉस्पिटल में मिल जाएगी। एंड दूसरा, आप एज अ फैकल्टी मींस एज अ टीचर, आप किसी भी पैरामेडिकल कॉलेज में आप टीचिंग कर सकते हो। अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है एम ऑप्टो करने के बाद। चलिएगा, अब जो डाउट है हम उनको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। एंड सबसे बड़ा डाउट, क्या मैडम मास्टर करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं? तो मैं आपको क्लियर बता दूँ, मास्टर करने के बाद आप डॉक्टर नाम के आगे नहीं लगा सकते। एंड उसमें क्या है, आप डी आर ऑप्टो करके अपना नाम लिख करके ब्रैकेट में एम ऑप्टो लिख सकते हैं, या आपने वी किया है तो वी ऑप्टो लिख सकते हैं, आपने डी किया है तो डी ऑप्टो लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, इसमें ये भी एक क्वेश्चन है, क्या मैम हम मेडिसिन दे सकते हैं? तो अगर आप एम ऑप्टो भी कर लेते हैं तो कुछ मेडिसिन होती हैं आप दे सकते हो नॉर्मली, बट कुछ मेडिसिन आप नहीं दे सकते। एंड लास्ट एंड सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन पूछने जाने वाला है, क्या मैडम मास्टर करने के बाद इस लाइन में हम एक तरह से मास्टर बन जाएंगे, क्या हम सर्जरी कर सकते हैं? तो मैं आपको क्लियर बता दूं, आप मास्टर के बाद चाहे आप पीएचडी कर लें तब भी आप इसमें सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि सर्जरी के लिए आपको क्या है, पहले एमबीबीएस करना होगा, फिर आपको एमएस करना होगा। मास्टर ऑफ सर्जरी का आपको करना होता है, देन उसके बाद ही आप सर्जरी कर सकते हो लीगल तरीके से। उससे पहले आप चाहे पीएचडी कर लो, चाहे आप मास्टर कर लो, आपको सर्जरी अलाउ नहीं है। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।